हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऑटोमोबाइल 009। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये जो हमारे पास गाड़ी है, ये सिलेरियो गाड़ी है, जो कि AMT व्हीकल गाड़ी है। इसको ऑटो गियर शिफ्ट बोलते हैं हम। तो इस गाड़ी में इशू ये आ रहा है, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती। अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तो गाड़ी में गियर शिफ्ट नहीं होते। तो ये देखिए, अभी हम इसके क्लस्टर मीटर के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया। इग्निशन ऑन करने पर आप देख पा रहेंगे सभी लाइटें इसमें आ रही हैं। गाड़ी हमारी न्यूट्रल पोजीशन पे है। तो अभी हम गाड़ी को सेल्फ लगा के दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। ये देखिए, सेल्फ लगाया। सेल्फ लगाने पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए, अभी हमने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया। इग्निशन ऑन करने पर अभी हम गाड़ी को स्कैन टूल लगाएंगे। तो गाड़ी हमने न्यूट्रल पोजीशन पे की हुई है। तो अभी हमने गाड़ी को जैसे स्कैन टूल लगाया, स्कैन टूल लगाने पर हमें इसमें जो करंट में कोड मिल रहे हैं वो मिल रहा है P1983 कोड आ रहा है, और जो सेकेंड कोड है हमारा वो आ रहा है P185C कोड आ रहा है, जो कि हाइड्रोलिक पंप रिलेक सर्किट के बारे में बता रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर का कोड है। ये दो कोड हमें करंट में मिल रहे हैं, तो इन कोड के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये देखिए, आपको दोबारा से दिखाते हैं। ये देखिए हमारे स्कैनर टूल की रिपोर्ट। तो ये हमें कोड करंट में मिल रहे हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रिकल मोटर का कोड आ रहा था P185C, अभी हम उस पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमें हाइड्रोलिक यूनिट खोलना पड़ेगा। तो यूनिट खोलने से पहले हमें ऑयल को डिस्चार्ज करना पड़ेगा स्कैन टूल की मदद से। तो ये देखिए, अभी हमने स्कैन टूल लगाया। इसमें जो इग्निशन मांग रहा है, इग्निशन ऑन, गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, हैंड ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए और राइट साइड वाला डोर ओपन होना चाहिए। तो उसके बाद ये बोल रहा है प्लीज़ वेट। तो अभी ये देखिए, हमारा ऑयल डिस्चार्ज का प्रोसेस चल रहा है। तो ये देखिए, हमारा ऑयल डिस्चार्ज का प्रोसेस पूरा हो गया। तो अभी इग्निशन को हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम बैटरी की नेगेटिव केबल को उतार देंगे। तो ये देखिए, अभी हम यूनिट असेंबली को खोल रहे हैं। तो उसको खोलने के लिए आपको दिख पा रहे होंगे, इसके ऊपर तीन नट लगे होते हैं, एक नट पीछे लगा होता है। तो इसमें जो वायरिंग हार्नेस लगी होती है उसको भी हम डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने यूनिट को खोल लिया। यूनिट खोलने पर हमने इसका जो इंटरनल पिस्टन है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप यूनिट को खोलेंगे तो जो इसका इंटरनल पिस्टन आपको उसको चेक करना है। तो ये देखिए, जो इसका पिस्टन है अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसको आपने चेक कर लेना है। तो जब भी आपने इस यूनिट को बिठाना है तो आपने पिस्टन की डायरेक्शन को हमेशा चेक करके ही बिठाना है। अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती बिठाएंगे यूनिट को तो आपका यूनिट ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, हम दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इसका जो इंटरनल पिस्टन है वो अपनी जगह पे सही है। तो ये देखिए, शिफ्टर की पोजीशन है, शिफ्टर के ऊपर ये अंदर वाला स्लाइडर है वो बैठता है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने यूनिट को चेक कर लेना है। जब भी हमने यूनिट को बिठाना है तो हमने ये इसके इंटरनल पिस्टन को हमेशा चेक करके ही बिठाना है। तो इसका यूनिट एक बार में बैठना चाहिए। तो ये देखिए, हमने अभी हमने यूनिट को खोला हुआ है। तो यूनिट खोलने पर हम इसको सेफ्टी स्टैंड के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्टैंड के ऊपर रख लेना है ताकि हमारा जो यूनिट है वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो हमारी रिज़र्व, जो ऑयल रिज़र्व टैंक है ठीक नीचे उसके लगी हुई है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें रिज़र्व टैंक को खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसके ऊपर जो डस्ट लगी होती है उसको भी अच्छी तरह से आपने क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम पुराने ऑयल को निकालेंगे। तो इस तरह से आपने पुराने ऑयल को निकाल लेना है। तो ये देखिए, अभी हम पुराना ऑयल निकाल रहे हैं। तो इसको पुराने ऑयल को हम निकालेंगे। तो आपने हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप पुराना ऑयल निकालें तो आपने हमेशा न्यू ऑयल ही डालना है, पुराना ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना। तो हम इस गाड़ी में ऊपर भी आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो ये देखिए, अभी हमने पुराना ऑयल निकाल लिया। तो हमेशा आपने ध्यान देना है, हमेशा न्यू ऑयल ही यूज करना है, वो भी सील बंद ऑयल होना चाहिए।
उसकी जो पैकिंग आती है 550 ml की, जो रिकमेंड है मारुति का ऑयल, वही ऑयल इसमें डालना है। अगर आप और ऑयल कोई डालेंगे तो आपका यूनिट ख़राब हो जाएगा, तो हमेशा आपने न्यू ऑयल ही डालना है। ये देखिए, अभी हम इसके जो रिजर्व टैंक है ऑयल का, उसको हम खोल रहे हैं। तो इसमें जो तीन बोल्ट लगे होते हैं, जो स्पेशल टूल की मदद से हम खोलेंगे, जो एलन की होती है हमारी 6 फैलो वाली, उससे ही खोलेंगे। तो इस तरह से हम तीनों बोल्टों को खोलने का प्रोसीजर बता रहे हैं आपको। तो इसमें जो तीन बोल्ट हैं बोतल के ऊपर लगे होते हैं, तो एक बोल्ट हमारा जो नीचे लगा होता है, तो उसको भी हम खोलेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, हम स्पेशल टूल की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम बोल्ट को खोल रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तो आपको दिखाते हैं इस तरह से हमने इसका जो ऑयल रिजर्व टैंक है उसको खोल रहे हैं। तो ये देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, दो बोल्टों को हमने खोल लिया है। अभी हम थर्ड जो बोल्ट है उसको भी खोलेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, हमने थर्ड बोल्ट को भी खोल लिया। तो जो हमारा जो फोर्थ बोल्ट है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे हमने यूनिट को उल्टा किया, उल्टा करने के बाद आपको ये देखिए, इसका बोल्ट है वो नीचे लगा हुआ है, तो उसको भी आपने खोल लेना है। उसके बाद ही हमारी जो रिजर्व टैंक बाहर आएगा। तो इस तरह से ये देखिए, हमने रिजर्व टैंक को हमने बाहर निकाल लिया है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने रिजर्व टैंक को बाहर निकाला, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक ऑयल का फिल्टर लगा होता है। तो ये देखिए, ये हमारा ऑयल का फिल्टर है, जो ऑयल को फिल्टर करके अंदर भेजता है, ताकि अंदर कचरा ना जाए। तो ये फिल्टर का काम ये है। तो इस फिल्टर को भी अभी हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो उसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रिकल मोटर को खोलेंगे। तो ये जो इसकी जो इलेक्ट्रिकल मोटर है, इसके ऊपर तीन बोल्ट लगे होते हैं, उसको हमने खोलना है स्पेशल टूल की मदद से। तो जो तीनों बोल्ट इसके ऊपर लगे होते हैं, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे। तो ये देखिए, इन तीनों बोल्टों को हमने खोल लेना है। तो आपको दिखाएंगे, ये देखिए तीनों बोल्ट हम खोलेंगे। पहले ये देखिए, हमारा नंबर वन बोल्ट है, इसको हम खोल रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर के बोल्ट को खोलेंगे। तो इस तरह से ये इसमें तीन बोल्ट लगे हुए हैं। बोल्टों को खोलेंगे तो उसके बाद ही हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर खुलेगी। तो ये देखिए, हमने तीनों बोल्टों को खोल लिया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, जो इसकी इलेक्ट्रिकल मोटर है इस तरह से होती है। ये देखिए, ये इसकी इलेक्ट्रिकल मोटर है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, इसके नीचे एक पैकिंग लगी होती है, स्पंज टाइप की होती है। इसको भी अच्छी तरह आपने उसके डायरेक्शन के ऊपर ही बिठाना है। तो ये देखिए, आपको दोबारा से दिखाएंगे। तो ये हमारे पास नई मोटर है और ये पुरानी मोटर है। आप हमेशा चीज़ का ध्यान रखें, ये मोटर रिपेयर वाली नहीं है, आपको इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अभी हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका जो इंपेलर कट है, उसके साथ आपको मैच करके इसको बिठाना है, तो अपने बेस के ऊपर बैठ जाएगी। तो इस तरह से तीनों नटों को हमने दोबारा से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो ये देखिए, अभी हम मोटर को फिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने मोटर को फिट कर लेना है। तो उसके बाद हम इसका जो रिजर्व टैंक है उसको हम फिट कर रहे हैं। जैसे हमने खोला, उसी तरह से इन तीनों नटों को कसना है। ऊपर इसके तीन बोल्ट लगे होते हैं और एक बोल्ट हमारा नीचे होता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको हमने बोतल को टाइट कर लेना है। तो ये देखिए, अभी हम बोतल फिट कर रहे हैं। तो बोतल फिट करने के बाद हम इसमें न्यू ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए, हमने बोतल टैंक को कस लिया। अभी हम इसमें न्यू ऑयल डाल रहे हैं। तो ये देखिए, हम न्यू ऑयल को हम डाल रहे हैं। आपने हमेशा जो पुराने ऑयल को यूज़ नहीं करना, पुराना ऑयल रीयूज़ नहीं करना। हमेशा आपने जब भी यूनिट को खोले, तो आपको जो ऑयल आप बाहर निकालेंगे, तो आपको हमेशा न्यू ऑयल को ही यूज़ करना है। इसके से आपकी जो यूनिट है उसकी सेफ्टी बनी रहती है, यूनिट आपकी ख़राब नहीं होगी कभी। तो ये देखिए, अभी हमने न्यू ऑयल को डाल लिया। न्यू ऑयल डालने के बाद अभी हम यूनिट को फिट करेंगे गाड़ी के ऊपर। तो ये देखिए, हमने कंप्लीट यूनिट को फिट कर लिया। तो अभी हम गाड़ी के ऊपर ले चलते हैं यूनिट को। तो ये देखिए, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जो इसका इंटरनल पिस्टन जो स्लाइड करता है साइड को, तो उसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, एकदम सही है। तो अभी हम यूनिट को बिठाएंगे इस तरह से। तो आपने हमेशा इसको देखकर ही बिठाना है। तो ये देखिए, अभी हम यूनिट को बैठा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही थी। तो मगर ये देखिए, अभी हम यूनिट को बैठा रहे हैं। तो ये देखिए, अभी हम यूनिट को बैठा रहे हैं। तो यूनिट को ये देखिए, अभी हमारा जो यूनिट है प्रॉपर नहीं बैठा।
तो जैसे हम यूनिट को नीचे को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो यूनिट है ऊपर की ओर जंप कर रहा है। तो ये देखिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे जो यूनिट है ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा। तो अभी हम यूनिट को बाहर दोबारा से निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये इसकी इसकी डायरेक्शन घूम गई है। तो अभी हम दोबारा पिस्टन को अपनी डायरेक्शन में लाएंगे और इसको बिठाएंगे। तो ये देखिए हमने इसके पिस्टन को सेट कर लिया। तो पिस्टन सेट करने के बाद हम दोबारा से इस यूनिट को बिठाएंगे। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं बार बार आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर आपने इस पिस्टन का ध्यान नहीं रखा, आप यूनिट के साथ ऐसे ही यूनिट को बिठाएंगे तो आपकी यूनिट हमेशा ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए अभी हमने ये देखिए डायरेक्शन को दोबारा से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद ये देखिए वन टाइम में ही हमारी यूनिट बैठेगी। तो ये देखिए जैसे ही हमने बोल्ट के ऊपर लेके आए यूनिट को, तो ये देखिए हमारी यूनिट बैठ गई है बिल्कुल एकदम। तो अभी हम इसको फिट करेंगे। तो इस तरह से जो हमने बोल्ट खोले हैं उसको हम दोबारा से फिट करते हैं। तो अभी हम यूनिट को फिट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यूनिट हमारी प्रॉपर बैठ गई है। प्रॉपर फिटिंग करेंगे इसकी जो हमने खोली थी। तो हम अभी हम यूनिट को फिट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी यूनिट प्रॉपर बैठ गई है। तो अभी हम यूनिट को फिट कर रहे हैं। इस तरह से आपने जो फिटिंग खोली है उसको दोबारा से रीफिट। तो ये देखिए अभी हमने यूनिट फिट कर लिया गाड़ी के ऊपर। तो अभी हम इसकी और लर्निंग कर लेंगे स्कैन टूल की मदद से। तो इस तरह से आपने स्कैन टूल ले लेना। तो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो इसमें कंडीशन बता रहा है उसको कंडीशन को आपने अप्लाई करना। तो जैसे ही आप स्कैन टूल लगाएंगे तो आपको जो जो स्कैन टूल बताएगा उसी हिसाब से आपने इसकी और लर्निंग को करना है। तो ये देखिए अभी हमने स्कैन टूल लगाया हुआ। स्कैन टूल लगाने पर हमने ये देखिए इग्निशन ऑन बोला, तो हमने इग्निशन को ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद ये देखिए प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये देखिए हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिकली स्कैन टूल की मदद से हमारे गियर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे क्लस्टर मीटर के ऊपर। तो ये देखिए फोर्थ गियर है, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो ये देखिए फाइव गियर आ गया और साथ में रिजर्व रिवर्स आ गया और फिर न्यूट्रल फिर रिवर्स। इस तरह से ये गियर शिफ्टिंग करेगा स्कैन टूल की मदद से। तो अभी हम आर लर्निंग कर रहे हैं। तो आर लर्निंग पे जो आप जो जो आपको स्कैन टूल बताएगा उसी हिसाब से आपने और लर्निंग करनी है। तो ये देखिए अभी इग्निशन ऑफ किया, ऑफ करने के बाद ये देखिए दोबारा से ये प्रोसेस कर रहा है। ये देखिए ग्रीन आप डॉट दे रहे हैं नीचे जो चल रहा है, ये और लर्निंग का प्रोसेस है। तो इसी तरह से आपने स्कैन टूल की मदद से आपने और लर्निंग को कर लेना है यूनिट फिट करने के बाद। तो अभी हम और लर्निंग कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये प्रोसेस कर रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। जैसे ही हमने इग्निशन को ऑन किया, ऑन करने के बाद ये देखिए ग्रीन कलर की पट्टी जो प्रोसेस कर रही है इसके और लर्निंग को प्रोसेस कर रही है। तो इस तरह से ये देखिए अभी हमने इग्निशन को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद दोबारा से आप देख पा रहे होंगे तो ये दोबारा से बोल रहा है इग्निशन ऑन करना। तो हम इग्निशन को दोबारा से ऑन करेंगे। तो ये देखिए दोबारा प्रोसेस कर रहा है स्कैन टूल की मदद से, हम कर रहे हैं इसको। इस तरह से आपने ऑल रनिंग करेंगे। ये देखिए ऑल रनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने पर हम इसको फर्स्ट गियर लगा के चेक करते हैं। ये देखिए हमने फर्स्ट गियर लगाया तो डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं हमारा गाड़ी का फर्स्ट गियर लग गया। तो अभी हम रिवर्स गियर में भी चेक करेंगे। तो जैसे हमने गाड़ी को रिवर्स गियर लगाया तो गाड़ी हमारी रिवर्स गियर पर भी मूव कर रही। हम गाड़ी का रोड टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी हमारी एकदम स्मूथ चल रही है, हर गेट शिफ्ट हो रहा है गाड़ी का। तो हमने इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर को चेंज किया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।